नमस्कार, स्वागत है आपका द एंगल पर। मैं आपके साथ नीलम। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम सुर्खियों पर। चिन्मयानंद से फिरौती मांगने वाली छात्रा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 26 को। सुनवाई पूरी नहीं होने से टली गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। ह्यूस्टन में ट्रंप को लेकर प्रधानमंत्री के दिए बयान पर जताया ऐतराज। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की अहम बैठक। उपचुनाव में गठबंधन पर बोले प्रदेश अध्यक्ष, केंद्र सरकार करेगी फैसला। रामगढ़ बांध में अतिक्रमण हटाने की मांग पर सांसद किरोड़ीलाल मीणा का पैदल मार्च। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद से फिरौती मांगने के आरोप में छात्रा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 26 सितंबर की तारीख तय की है। अदालत की सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण फिलहाल छात्रा की गिरफ्तारी टल गई है। सोमवार देर रात प्रयागराज से शाहजहांपुर स्थित घर लौटने के बाद छात्रा के वकील ने जिला सत्र न्यायालय में उसकी जमानत को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिस पर कई घंटों तक सुनवाई चली। अगर यह जमानत याचिका खारिज हो जाती तो आज ही छात्रा की गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन सुनवाई की अगली तारीख मिल जाने के बाद फिलहाल यह टल गया है। छात्रा को ADJ प्रथम कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद से वह SIT की निगरानी में है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों ने विस्फोट कर एक तेल के टैंकर को उड़ा दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर नक्सलियों की तलाश शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना कांकेर जिला के ताड़ोकी थाना क्षेत्र में कौंसरेड़ और तुमापाल गांव के बीच की है। बीते कुछ दिनों से रावघाट क्षेत्र में रेलवे ट्रैक का काम चल रहा है। यह टैंकर वहीं जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि टैंकर मौके पर पहुंचता, उससे पहले ही नक्सलियों ने बारूदी सुरंग की मदद से उसे उड़ा दिया था। पुलिस फिलहाल इलाके में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान के पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव किया गया। वहीं PGI सैफई में फैकल्टी व नॉन फैकल्टी को लखनऊ PGI के बराबर भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा CM सहित सरकार के मंत्रियों की ओर से इनकम टैक्स खुद बढ़ने से लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक तक पद सृजित कर IAS अधिकारी को तैनात करने सहित कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश के 7 नगर निगमों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, वृंदावन, गाजियाबाद, फिरोजाबाद को सरकार अपने संसाधन से स्मार्ट बनाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने तक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के बाद बैंक ने अपने खाता धारकों से कहा कि वे 6 महीने तक अपने खाते से सिर्फ 1,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। इससे ग्राहकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने जोगेश्वरी ब्रांच में जमकर हंगामा भी किया। अनियमितता बरतने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है। गौरतलब है कि बैंक के पास ग्राहकों के 11,500 करोड़ रुपए जमा है, इसलिए ग्राहक बेहद परेशान है और उन्होंने जोगेश्वरी ब्रांच में जमकर हंगामा किया। बता दें कि इसकी ब्रांच पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में स्थित है। गुजरात के सूरत में इस साल 5 लाख से अधिक कर्मचारी दिवाली के बोनस से महरूम रहेंगे। हर साल अपने कर्मचारियों को बोनस के तौर पर कार, ज्वेलरी और फ्लैट देने वाले मशहूर हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया ने भी इस साल हीरा उद्योग में मंदी को देखते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ढोलकिया ने कहा कि हीरा उद्योग वर्ष 2008 की मंदी से भी ज्यादा भीषण मंदी से गुजर रहा है। ढोलकिया ने कहा कि इस साल मंदी वर्ष 2008 में आई मंदी से भी ज्यादा भीषण है। जब पूरा उद्योग मंदी का शिकार है तो हम कैसे गिफ्ट का खर्चा उठा दे सकते हैं। मंदी की हालत यह है कि जो कंपनियां काम कर रही है उन्हें अपना काम कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस साल ऐसा पहली बार हुआ है कि हीरे की दिग्गज कंपनी BDRS को अपना उत्पादन घटाना पड़ा है। सावजी ढोलकिया अपने कर्मचारियों को हर साल बोनस के तौर पर कार और फ्लैट देने वाले हीरा कारोबारी हैं। ढोलकिया 2011 से हर साल कर्मचारियों को इसी तरह के दिवाली बोनस देते रहे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाउडी मोदी के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में सब ठीक है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि जब भारत में सब ठीक है तो फिर जरूरी चीजों के दाम कैसे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, हर सेक्टर में नौकरी जा रही है, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि BSNL के कर्मचारियों की बातें बहरी मोदी सरकार के कानों में नहीं पड़ रही है। BSNL और दूसरी सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी पीड़ित हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है।
राजधानी में कानून व्यवस्था का जिम्मा 20 मोटरसाइकिल सवार महिलाएं रखेगी। शहर में क्राइम कंट्रोल के लिए महिलाओं के विशेष दल को हीरो होंडा कंपनी ने 20 मोटरसाइकिलें दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास स्थान से इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के ह्यूस्टन में दिए गए बयान पर एतराज जताया है। गहलोत ने कहा है कि 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि देश के प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश में जाकर पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में और उसकी पार्टी के बारे में खुले रूप में कैंपेन करे। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से नई पीढ़ी को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। सोशल मीडिया के माध्यम से नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं और उसके लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। इनकी टीमें बैठी हुई है, उनका काम यही है कि लोगों को मैसेज ऐसे दो जो लोगे मोदी 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 लगे। देखिए हकीकत के अंदर जो इंटेलेक्चुअल है, साहित्यकार है, लेखक है, पत्रकार है, साइंटिस्ट है, वो इनकी हरकतों समझ चुका है। अभी जो उन्होंने 540 लोगों ने लिखा, कल परसों लेटर लिखा है, इसके मायने क्या है? देश की दिशा में जा रहा, सोचना पड़ेगा। हम खाली ये 370 हटा दिया, राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो गई। अरे राजनीति में जो लीडर होता है उसको चाहिए वो सही बात भी जनता को पता है। जनता आज नहीं तो कल समझ जाएगी। लीडरशिप का गुण होना चाहिए, पर यहाँ तो एक माहौल बना के राजनीति की जा रही है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आगामी निकाय चुनाव को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। पार्टी ने निकाय चुनाव जीतने के लिए युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और SC मोर्चा को विशेष दायित्व सौंपा है। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते सतीश पूनिया ने कहा कि चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति पर एक दो दिन में खुलासा कर दिया जाएगा। RLP के साथ गठबंधन केंद्र स्तर पर हुआ तो उसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री पर मुख्यमंत्री के दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। कांग्रेस की पुरानी आदत है और बहुत दुविधा में रहते हैं, बहुत परेशानी में हैं। राज संभल नहीं रहा है, न तो किसी तरीके से जिस जन घोषणा पत्र में इन्होंने एक अच्छी गवर्नेंस की कल्पना करी थी, कल्पना दी थी राजस्थान को, वो भी सारा समय तुष्टीकरण में, सारा समय सियासत में, सारा समय तिगड़म में, सारा समय जुगाड़ में। तो ये वानगी 10 महीनों में राजस्थान की जनता ने ठीक से देख ली है। और मोदी जी का व्यक्तित्व इतना विराट हो गया कि उन्होंने जो नारा दिया कांग्रेस मुक्त का, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में तो उसकी शुरुआत अच्छे तरीके से हुई गई, 2.5 प्रदेशों में सिमट गई वो सरकार और वो पार्टी। और अब जब पूरी दुनिया में एक नज़ारा देखा हाउडी मोदी के जरिए, मुझे लगता है कि उस कांग्रेस मुक्त का पूर्णतया हिंदुस्तान से कांग्रेस की विदाई। और राजस्थान में भी जिस तरीके से मोदी जी के व्यक्तित्व को अनुच्छेद 370 और उसके बाद के घटनाक्रम ने जिस तरीके से कॉरपोरेट टैक्स में कमी करी निर्मला सीतारामन जी ने, और इस प्रदेश में, देश में निवेश की, रोजगार की संभावनाएं बढ़ती देख के एक ही मुद्दा था उनके साथ कि अर्थव्यवस्था में मंदी है, और इन सारी चीज़ों को जब दुरुस्त किया और दुनिया ने ये दृश्य तो शायद पहली बार देखा होगा कि अब साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि मोदी जी केवल हिंदुस्तान के नहीं और हिंदुस्तान अब दुनिया का नेता है। जयपुर में रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मीणा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए सिविल लाइंस फाटक पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम अधिकारियों को ज्ञापन दिया। मीणा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में इस बार औसत से बहुत अधिक बरसात हुई, लेकिन रामगढ़ बांध में इसलिए पानी नहीं आया क्योंकि यहां रसूखदार लोगों के अतिक्रमण है और सरकार उन्हें आश्रय दे रही है। मीणा ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए रामगढ़ बांध में हो रहे अतिक्रमण को हटाए। सिविल लाइंस फाटक तक निकाले गए पैदल मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथ में घंटी भी ले रखी थी, जिसे बजाते हुए वहां सिविल लाइंस फाटक तक पहुंचे। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ी राहत देते हुए ऑनलाइन लघु कृषि ऋण योजना 2019 पर मुहर लगा दी है। जस्टिस अशोक गौड़ की एकल पीठ ने योजना को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित करते हुए योजना को सही माना है। गौरतलब है कि रघुनाथ सिंह ने एक याचिका दायर कर योजना की पॉलिसी को ही चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि इस योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, जबकि आवेदन के लिए अभी तक जमीनी स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येंद्र राघव ने अदालत को बताया कि ये योजना किसानों को सरकार से सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस योजना से बिचौलिया की भूमिका समाप्त हो जाएगी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एकल पीठ ने सरकार की योजना को सही बताया और चुनौती याचिका को खारिज करने के आदेश दिए।
आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ द एंगल पर। नमस्कार।